हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये देखो, हमारे पास जो है ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और हमारे बुजुर्ग इनको क्या शिक्षा दे रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि आजकल का माहौल किस तरीके का है और जो बुजुर्ग लोगों ने पहले का माहौल देखा हुआ उसके बारे में वो बता रहे हैं और क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखना है इसके बारे में उनके मुंह से सुनते हैं। आप बता रहे हैं इन बच्चों को कि मतलब आज का माहौल जो हम देख रहे हैं कि लोग मोबाइल पकड़ के, कोई घर में मेहमान आ जा रहा है तो दूसरे कमरे में चले जा रहे हैं, उनके टच में नहीं रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताओगे आपके किस तरीके से बच्चों को रहना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में इन बच्चों को कुछ बताओगे आप? मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपके घर में कोई मेहमान गेस्ट आया जाता है तो उनको उनके पास बैठो, उससे कुछ बातें करो, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उसके सामने बैठो, मोबाइल लेके अलग कमरा में जाओ, ठीक है? जो तुम घर में आ गया है वो एक सामने बैठो थोड़ी देर, वो तो पूछो कहाँ से आया, क्या हाल है तुम्हारे, कुछ ना कुछ तो पूछने के लिए होता है ना, वो भी तो पूछेगा ना तुम्हें, हाँ बेटा तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ तक पढ़ाई करी, अब क्या कर रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो, वो पूछेगा ना, वो तुम्हें आगे और आगे रास्ता बताएगा। और तुम नीचे वाली सीढ़ी में होंगे तो वो ऊपर वाली सीढ़ी में तुम्हें और चढ़ाएगा कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ठीक है? और मोबाइल के चक्कर में रहो, मेहमान आ गया, मेहमान बैठा है, पानी भी दे दिया, चाय भी दे दी, खाना भी दोगे ही, और तुम अपने मोबाइल लेके अपने कमरे में बैठे हो और मेहमान अकेला बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि कब उसके तो नींद आने लगेगी ना, अकेला अकेला तुम तो मोबाइल में हो, उसको नींद आने लगेगी कब एक रोटी मिले, कब मैं सो जाऊँ, कब रात खुले, कब मैं अपने घर जाऊँ, है वो कल से दूसरे दिन से वो बोलेगा आज से मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, क्यों, कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे से, बोलेगा ना कोई बात ही नहीं कर रहा, क्यों आना मैंने, इसका मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहे, वो दूसरे दिन से आएगा ही नहीं। इससे अच्छा यही होगा कि उस टाइम तुम अपना मोबाइल बंद करो और उस आदमी के पास बैठ जाओ और थोड़ा उसका मन भी लग जाए और तुम्हारा मन भी लग जाए। देखो, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से बच्चों को जो है मोबाइल से दूर रखना है और जो घर में कोई गेस्ट और मेहमान इस तरीके का कोई परिचित आता है तो उसके साथ हमको बैठ के बात करना चाहिए, ना कि कमरे में अलग से जाके अपने मोबाइलों पे लग जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि मेहमान इतना गिल्टी फील करता है कि कब रात खुले और कब मैं अपने घर जाऊं, और कोशिश करता है कि अगली बार से मैं बहुत कम से कम इस घर में आऊं जहां कि कोई मुझसे बात नहीं करता है। तो इसके लिए आपने बच्चों को बताया है कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, कोई परिचित आए तो उनके साथ बैठो, अपने मोबाइलों को किनारे रख दो, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो है लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, सेपरेट सेपरेट रूम बनाए हुए हैं और लोग बच्चे जो है अपने अपने रूम में बैठ के आइसोलेट हो जा रहे हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसके बारे में कुछ बताओगे आपकी मतलब और क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए? बस यही ध्यान में रखना चाहिए, अब कोई अपने मम्मी पापा कोई पसंद नहीं करता, अलग कमरे में बैठे हैं, बेटा अलग कमरे में बैठा है, बेटी अलग कमरे में बैठा है, कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, अब इसमें मम्मी पापा भी नहीं देख रहे हैं, बेटी पढ़ रही है या मोबाइल देख रही है, बेटा पढ़ रहा है या मोबाइल देख रहा है, क्योंकि मम्मी पापा एक किनारे है, बेटे एक किनारे है कि नहीं है, इसलिए मम्मी पापा को भी बच्चों को देखना चाहिए कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ा हमारे पास भी तो बैठ जाओ, और बच्चों को भी ये देखना चाहिए, थोड़ा मम्मी पापा को भी पूछ ले कुछ, मम्मी पापा से भी बात करें, उनका भी मन लग जाएगा, उसे भी हंसाएं, वो भी कुछ बात बताएंगे, कुछ उन्हें टेंशन भी होगी तो बच्चों में तो बोलते हैं ना, बच्चों में तो बोलते हैं बेटा मेरे को आज ये टेंशन है, तो वो टेंशन थोड़ा आधी आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, इसलिए मोबाइल देखो फालतू टाइम पे देखो, मोबाइल अच्छा भी है, उसमें पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, हर चीज है,
पर ये नहीं है 24 घंटे आदमी बैठा है तुम अपने मोबाइल में। बड़े बड़े घराने के तो यही है, कोई आ गया चाह नहीं आया, कोई बोलना न चालना, दो रोटी दे दी तो दे दी अपना जो सो जाओ बस। अरे वो तो आदमी रोज तो ना आ रहा है तुम्हारे घर में, आज आ गया ना दो ही दिन रहेगा, अगर वो तुम एक ही दिन में उसको वो फीका हो जाएगा तो वो तो कल चला जाएगा, वो बोलेगा आज से मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगा। इसीलिए बेटा जो भी तुम्हारे घर में आएगा उसकी इज्जत करो, उसे प्यार से बोलो, प्यार से खिलाओ, उसके साथ खुद भी खाओ, ठीक है जाएगा। देखो आपने इन बच्चों को बताए जो शिक्षा दी, अब पूछते हैं इनसे कि इनकी समझ में क्या चीज आई। देखो बेटा आपने जो ये बात सुनी, बुजुर्गों ने जो आपको सलाह दी किस तरीके से हमें रहना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? नानी ने बहुत ही अच्छी बात बोली और मुझे भी बिल्कुल समझ आ गया है कि ऐसा नहीं करना है। कोई भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो मेहमान भगवान का रूप है, हमें उन्हें उसकी तरह ही ट्रीट करना है और उनसे हालचाल पूछना है, ऐसे उनसे बातें करनी है और साथ खाते नानी। चलो बेटा कम से कम आपकी समझ में आई कि बुजुर्गों ने, आपकी नानी ने जो आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया, और मुझे आशा है कि आप लोगों के घर में जब भी कोई गेस्ट या कोई परिचित आएगा तो आप उनके साथ जैसे बताया है उसी तरीके का व्यवहार करोगे, न कि एकांत में जाके अपने मोबाइलों पे लग जाओगे और वो अननेसेसरी गिल्टी फील करे और सुबह होने का इंतज़ार करे। ऐसा मुझे लगता है कि ये जो आप सुन रहे हो जो बुज़ुर्गों की सलाह है उस पर अमल करके जो है अपने को ध्यान केंद्रित करोगे मेहमानों की तरफ, और मोबाइल का टाइम तो बेटा मोबाइल तो आपके पास हमेशा है, मोबाइल तो अगर मेहमान आपका चला भी गया दूसरे तीसरे चार चौथे दिन तो उसके बाद मोबाइल तो आपके पास है, तो उनको भी अननेसेसरी ऐसा लगे कि हाँ इस घर में हमारी इज्जत है और वो बार बार आपका जो है अप्रिसिएट करें आप लोगों को और आपके घर में बार बार आने का प्रयास करें। अदरवाइज आज का जिस तरीके का मैं माहौल देख रहा हूँ, मेहमान एक बार आता दोबारा आने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। आशा है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और जो हमारे बुजुर्गों ने सलाह दी है हम भी उससे परिचित हुए कि किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए। आशा है कि आप लोग भी इन सब बातों का ध्यान रख के आपके यहाँ जो भी आपका परिचित आए और जिसके यहाँ भी आप जाएं मोबाइलों के टच में कम से कम रहे और डायरेक्ट लिंक उनसे रखें। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक गुड बाय भाईजी, नमस्कार।